मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के बदलते मिजाज के चलते राज्य के मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही तेज बौछार पड़ सकती है। राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी जारी की है कि छोटी नदियों, नालों के पास रहने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। सतपुली में खेतों में काम कर रही महिला को गुलदार ने बनाया निवाला। उत्तराखंड के सतपुली में पोखड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मजगांव के डाबरा गांव में बृहस्पतिवार सुबह घर के नजदीक खेतों में काम कर रही एक 52 वर्षीय महिला को गुलदार ने हमला कर मार दिया। वहीं गुलदार को मारने के आदेश जारी करने की मांग पर ग्रामीणों की वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से नोकझोंक हुई। कुमाऊं में भारी बारिश से सड़कों पर पसरा मलबा, जगह जगह फंसे रहे यात्री, कई जगह रास्ते बंद। उत्तराखंड के कुमाऊं में बुधवार देर रात से बृहस्पतिवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई नेशनल हाईवे और अन्य संपर्क मार्गों पर घंटों यातायात बाधित रहा। मार्ग बंद होने से रास्तों में कई वाहन फंसे रहे, इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों ने किया आंदोलन का ऐलान। 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की घोषणा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित व हक्कूधारी फिर से लामबंद हो गए हैं। बोर्ड पर सरकार से रुख से खफा चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व हक्कूधारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 11 जून से चारों धामों में पुजारी तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। हरिद्वार में अब तक बर्बाद हो चुकी वैक्सीन की 11,000 डोज। हरिद्वार में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है, लेकिन जनपद में अब तक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 11,000 से अधिक डोज बर्बाद हो चुकी है। मुन्ना चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर शंका निराधार, लगवाए वैक्सीन। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा कम संख्या में वैक्सीनेशन कराने जाने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने चिंता जताई है। उन्होंने समुदाय के वृद्धिजीवी लोगों से समाज के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की अपील की। कहा कि अब भी लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर शंका है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 21 नए मरीज आए, 6 संक्रमितों की हुई मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को देहरादून जिले में 21 नए मरीज मिले और 6 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या 319 हो गई है। मेडिकल सामान की खरीद में हुआ बड़ा खेल। सरकारी अस्पतालों में भेजे इस्तेमाल किए ग्लव्स। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल किए गए ग्लव्स पकड़ाने के पीछे बड़ा खेल उजागर हो रहा है। मामले में जांच के बाद धीरे धीरे हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है। केवल धारचूला ही नहीं, सीमांत जिला पिथौरागढ़ के हर PHC और CHC में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स की सप्लाई की गई है। हरिद्वार में 56 दिन बाद पहुंचे हजारों यात्री। हर की पैड़ी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बट अमावस्या पर हजारों यात्री धर्म नगरी पहुंचे। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। पार्किंग से लेकर बाजारों में भीड़ दिखाई दी। पुलिस भी नरम दिखाई दी। हर की पैड़ी पर बाजार तो खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। 56 दिनों बाद धर्म नगरी में इतनी संख्या में यात्री दिखाई दिए। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर हंगामा और तोड़फोड़। हाईवे पर सब रखकर लगाया जाम। उत्तराखंड के रुड़की में सालियर के पास हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दो बच्चे भी घायल हो गए। बाइक सवार की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सब हाईवे पर रखकर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।